नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। दिल पर हाथ रखकर बोल दो ये मंत्र मित्रों, एक बहुत ही शक्तिशाली ऐसा उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी कितना भी नाराज व्यक्ति, कोई भी रूठा हुआ इंसान, आपके कोई भी कितने भी कैसे भी खराब संबंध हो, कितनी भी दरार उसमें आ गई हो, मित्रों ये उपाय कर लें। जो इंसान आपसे बात भी नहीं करता, बातचीत भी आपके बीच आपके मध्य बंद हो, खुद आएगा तड़प कर आपके पास, आपके करीब लौट आएगा आपके लिए वापस, और आकर आपको खुद मनाएगा, आपकी मिन्नतें करेगा। इस सरल से उपाय को मित्रों आप सप्ताह में शनिवार का दिन छोड़कर यानी सैटरडे का दिन छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय है, बहुत ही सरल इसकी विधि है। उपाय को पूरे विश्वास पूरे यकीन के साथ जब आप करेंगे तो आप इसके सुखद परिणाम पा सकेंगे। मित्रों इस उपाय को करने से पहले आपने स्नान कर लेना है। स्नान नहीं कर सकते किसी कारणवश, अपने हाथ मुंह पैर एक बार साफ से धो लें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें, एक स्थान पर पूर्व दिशा की ओर ईस्ट की ओर मुख करके एक आसन लगाकर आप बैठ जाएं। अपने पास आपने लाल रंग की यानी लाल स्याही वाली कोई भी वस्तु रख लेनी है। पेन हो, स्केच पेन हो, मार्कर हो, परमानेंट मार्कर ना लें, इस बात का ध्यान रखें। आपने अपने हाथ पर जैसा कि दिखाया गया है, उल्टे हाथ पर जिस स्थान पर दिखाया गया है वहां पर आपने शुक्र लिख देना है, शुक्र लिखना है। और उसके बाद आपने हाथ के हथेली के बिल्कुल बीचों बीच संख्या 19 लिख देनी है, यानी 1 और 9, 1 और 9, 19 लिख देना है। शुक्र को आप घेरे में डाल दें, जैसा वीडियो में दिखाया गया है, आवश्यक नहीं है आप गोल घेरा कैसे भी बना लें, उसी स्केच पेन मार्कर पेन से गोल घेरा बना लें। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने उस हाथ को अपने हृदय पर रख लें, आपका उल्टा ही हाथ है, अपने दिल पर इसे छुला लें। और दिल पर छुलाने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपका सीधा हाथ है उस हाथ को आपने अपने कंधे पर रख देना है। उल्टे हाथ को आपने अपने दिल पर चलाया और सीधे हाथ को आपने उल्टे कंधे पर रख दिया। उसके बाद आपने आंखें बंद करके उस व्यक्ति को जिसके लिए ये उपाय आप कर रहे हैं, उस व्यक्ति को चाहे वो पुरुष है या वो स्त्री है, उसको सोचते हुए उसको विचारते हुए जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है ये सरल सा मंत्र बोल देना है। मित्रों ध्यान रहे, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर आपने ये मंत्र बोलना है। कोई भी विघ्न डालने वाला, बाधा डालने वाला इंसान आपके करीब आपके पास ना हो, बिल्कुल एकांत में आपने इसे करना है। बंद कमरे में करें, दिशा का विशेष ध्यान रखें बैठने का, मंत्र किस प्रकार से आपने उच्चारित करना है। मम अहशदे अमुक वश्यम, मम अहशदे अमुक वश्यम। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लें, यदि आप उसका पूरा नाम जानते हैं पूरा नाम लें, मुख्य नाम प्रमुख नाम जानते हैं उसे लें। इस मंत्र को आपने मित्रों 7 बार बोलना है, बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित्त होकर फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने इसे बोलना है। जब आप इसे बोल लेंगे इसकी शक्ति आप खुद देख सकेंगे। अब आपने क्या करना है, पहले अपना दायां हाथ, जो आपने अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखा था यानी उल्टे कंधे के ऊपर रखा था, उसे आप हटाएंगे। जो आपका बाएं हाथ है जो आपने हृदय पर रखा है अब आप उसे हटाएं। दोनों को आपस में जोड़ लें, जैसे आपस में दोनों हाथ मिला लेते हैं उस प्रकार से हाथ के ऊपर हाथ रख दें, किसी भी तरीके सीधा या उसे पकड़ने की अवस्था में भी रख सकते हैं। और उसके बाद आपने फिर 5 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, जिसे आप अपने करीब लाना चाहते हैं, पास लाना चाहते हैं। मित्रों पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई मित्र, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं यदि उनका कोई प्रियजन उनसे दूर जा रहा है। अब आपने दोनों हाथ हटा लेने हैं, जो आपने लिखा हुआ है हाथ में उसे आप लिखा ही रहने देंगे उस दिन के लिए। हाथ धो रहे हैं धो लें, परंतु उसे ज़बरदस्ती आप मिटाएं नहीं। अगले दिन प्रातः आप इसे सफाई से मिटा सकते हैं, धो सकते हैं अच्छे प्रकार से। मित्रों ये आपने उपाय किया और उसके बाद आप स्वयं देखेंगे किस प्रकार से 48 घंटे के भीतर उस सामने वाले पर इसका असर होगा, प्रभाव होगा और वो लौट आएगा आपके पास। उपाय को मित्रों आप प्रातः 12 बजे से पहले पहले करें।
आशा करते हैं मित्रों उपाय आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।